आजकल हर इंसान को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे पांच ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे खाकर आप अगर इसे भिगो कर खाएं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर हो सकती है। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि कौन से ऐसे पांच ड्राई फ्रूट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार के मोम की तरह का पदार्थ होता है जो शरीर के सभी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो ये दिल की बीमारियों, वजन में वृद्धि, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्याओं का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में चिपकने वाली मोम की मात्रा बढ़ाता है, जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल मोम की मात्रा को कम करने में मदद करता है। इसलिए LDL कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा से बचने और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कौन से ऐसे पांच ड्राई फ्रूट्स जिन्हें अगर आप भिगो कर खाएं तो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है? अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम होता है। अखरोट शरीर में शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती है। बादाम। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन होता है। बादाम में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। किशमिश। किशमिश में नेचुरल शुगर होती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा किशमिश में विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर भी होता है। काजू। काजू में फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है। काजू में मौजूद अनेक गुणों के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। खजूर। खजूर में विटामिन, फाइबर, अमीनो एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो देखा आप लोगों ने कि कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो इतने हेल्पफुल हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर। और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहें इंडिया समाचार 27। मैं हूँ आपके साथ शिवानी रौतेला।